हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम वीविंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी फैब्रिक कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फाइबर्स के बारे में जाना, नेचुरल फाइबर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड सेम फॉर द सिंथेटिक फाइबर्स। तो अब हम फाइबर से आगे क्या प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का वो हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि फाइबर फैब्रिक की सबसे छोटी यूनिट होती है। मींस अगर हम फैब्रिक को पूरा टेयर कर दें, उसमें से थ्रेड्स निकाल दें, सब कुछ टेयर कर दें, तो हमें जो सबसे छोटी यूनिट मिलेगी वो एक फाइबर होगी। लेकिन फाइबर के बाद क्या, कौन सी स्टेज होती है, या फाइबर से फैब्रिक तक का प्रोसेस क्या होता है? अभी तक हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, उनके ओरिजिन एंड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचने का क्या रास्ता है। सो द सेकेंड थिंग विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द फाइबर एंड द फैब्रिक प्रोसेस इज यार्न्स। मीन्स फाइबर से फैब्रिक तक के सफर में यार्न्स भी बीच में आते हैं। जैसे कि फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक भी बना सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी शायद। लेकिन मेनली जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, पहले फाइबर से थ्रेड यानी कि यार्न्स बनाए जाते हैं, एंड देन यार्न्स से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। सो द फाइबर्स आर कन्वर्टेड टू यार्न और थ्रेड फॉर फर्दर वीविंग और निटिंग। निटिंग मीन्स बुनाई, जो आप अपनी दादी नानी को करते देखते होंगे वो भी यार्न्स को यूज करके करी जाती है। एंड वीविंग भी एक फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है, जिसको कि आगे हम वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वीविंग थ्रेड्स के थ्रू बनाई जाती है, सॉरी थ्रेड्स के थ्रू करी जाती है और उससे फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। इंडिविजुअल फाइबर्स आर मेड पैरेलल टू वन अनदर यूजिंग अ सीरीज ऑफ मशीन इन अ स्पिनिंग यूनिट। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फाइबर्स जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो ऐसे कर्ली या वेवी होते हैं, तो उनको एकदम स्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स का यूज किया जाता है। देन द पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स आर ड्राफ्टेड एंड ट्विस्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ यार्न। फिर इन पैरेलल फाइबर्स को यार्न बनाने के लिए ट्विस्ट किया जाता है या स्पिन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो यार्न्स आपस में स्टिक हो जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं। द ट्विस्ट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड कोहेशन टू द यार्न। व्हेन यार्न इज स्पन फ्रॉम स्टेपल फाइबर इट इज नोन एज स्पन यार्न। व्हेन द यार्न इज मेड फ्रॉम ट्विस्टिंग ऑफ पैरेलल फिलामेंट्स लाइक सिल्क with a filament run through the strand of the yarn, it is known as filament yarn. तो जब staple fibers को use करके बनाया जाता है तो उसको spun yarn बोल देते हैं, और अगर filament fiber को use करके बनाया जाता है तो उसको filament yarn बोल देते हैं। आपको exercises का link pin comment में मिल जाएगा, आप उधर जाके checkout कर सकते हैं। So अभी हम revise करेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा fibers के बारे में, fibers, देन फाइबर से यार्न कैसे बनता है एंड यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। सो फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली फाइबर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेज, वेयर एज यार्न्स आर मेड बाय ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स। थ्रेड्स, और जब ये यार्न्स बन जाते हैं, थ्रेड्स बन जाते हैं, तो इनको फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग वीविंग एंड other techniques. So here is a question for you. Can you name fabric forming techniques other than weaving? Comment down your answer and I will be giving this answer in my next video. Okay, so now let's proceed further. Now we will discuss our main topic, that is weaving. Okay, so basically what is weaving? Weaving is a process in which fabric is produced. Weaving is the process of interlacement of two sets of yarns, means threads. Threads के दो सेट इसमें लिए जाते हैं जिनको कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो ये मान लीजिए एक थ्रेड है और ये दूसरा थ्रेड है,
तो क्या किया जाता है, इनको 90 डिग्री के एंगल पे यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है. वीविंग इज डन यूजिंग लूम्स. लूम्स कैन बी क्लासिफाइड एज हैंडलूम और पावर लूम. अब वीविंग करते कैसे हैं, हाथ से तो होती नहीं है, सो वीविंग के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज किया जाता है या मशीन यूज की जाती है जिसको कि हम लूम्स बोलते हैं. लूम्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, हैंडलूम या पावर लूम. पावर लूम नॉन ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों हो सकती है. जैसे कि पावर लूम मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करे, इसमें नॉन ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों हो सकती है. जैसे कि आप सिर्फ बटन दबा दे और सारा काम मशीन खुद कर लेगी, एंड नॉन ऑटोमेटिक मीन्स सिर्फ पावर मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी बट आपको सारा काम उस पर खुद ही ऑपरेट करना होगा. हैंडलूम्स आर ऑपरेटेड मैनुअली और पावर लूम्स एंड पावर लूम्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी. जो पावर लूम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है लेकिन हैंडलूम को नहीं चाहिए होती है, वो मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं. सम ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हैंडलूम्स इन सर्टेन क्लस्टर्स इन इंडिया. जो ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज होती हैं, सिल्क फैब्रिक्स होते हैं, वो ज्यादातर हैंडलूम पे प्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड इट टेक्स 6 to 8 weeks टू प्रोड्यूस अ सिंगल साड़ी इन अ हैंडलूम. इसीलिए वो सिल्क साड़ीज इतनी एक्सपेंसिव होती हैं. द बेसिक कॉम्पोनेंट्स एंड द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ वीविंग इज सेम इन ऑल द लूम्स. In order to interlace warp and web threads on any type of weaving machine, the three basic operations of shedding, picking and beat up are necessary. अब आप सोच रहे होंगे warp and web threads क्या होते हैं? हमने तो सिर्फ threads and yarn सुना है, warp and web क्या होता है? So हम इसको आगे अभी discuss करने जा रहे हैं next point में. The set of thread that runs down the fabric in the vertical direction is termed as warp. जैसा कि आप मेरी इस ड्रॉइंग में भी देख सकते हैं, जो वर्टिकल वाला फाइबर है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉर्प बोलेंगे. आई एम सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग बट आई एम डूइंग इट विद माउस सो दैट्स व्हाई, प्लीज एडजस्ट विद इट. एंड द सेट ऑफ थ्रेड्स दैट आर ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस आर नोन एज वेफ्ट यार्न्स. So those are known as weft yarn. So it is very, very, very simple. जो length wise यानी कि vertical direction में yarns होते हैं उनको हम warp yarns या threads बोलते हैं, and जो horizontal direction में होते हैं उनको हम weft threads बोलते हैं या weft yarns बोलते हैं. जैसा कि आप इस diagram में भी देख सकते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो वॉप यार्न है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो वेफ्ट यार्न है. ये एक वोवन फैब्रिक है, आप इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे से एग्जांपल बताया हुआ है. जो ये पर्पल कलर, पर्पल पिंक शेड में जो यार्न्स है, दीज आर वॉप यार्न्स क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, एंड द ब्लू वंस आर वेफ्ट यार्न्स. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग वीविंग. तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मींस इनके बिना तो वीविंग हो ही नहीं सकती, ये ऑपरेशंस तो कंपलसरी है. सो द फर्स्ट वन इज शेडिंग. शेडिंग मींस अब दो सेट्स ऑफ यार्न्स होते हैं और दोनों सेट्स ऑफ यार्न्स में वीविंग वर्क करती है. तो किस तरह से करती है, जो वॉर्प यार्न्स होते हैं वो दो लेयर्स में होते हैं और शेडिंग मींस जो दो लेयर्स होती है उनको सेपरेट करना, सेपरेटिंग द वॉर्प थ्रेड्स इनटू टू लेयर्स टू फॉर्म अ टनल नोन एज शेड. सो जो वॉर्प थ्रेड्स होते हैं उनमें एक टनल बनाई जाती है जिससे कि हम वेफ्ट को उसमें इंसर्ट करके और फिर लॉक कर सके. द नेक्स्ट वन इज पिकिंग. पिकिंग मीन्स पासिंग ऑफ द वेफ्ट थ्रेड. जब टनल फॉर्म हो जाती है तो उसमें से वेफ्ट थ्रेड को पास किया जाता है. द वेफ्ट थ्रेड्स आर द यार्न विच transverses down the width of the fabric, क्योंकि वो horizontal direction में होते हैं, perpendicular to the warp. Warp के क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, as shown in the figure here. So पहला operation क्या हुआ, shedding, यानी कि warp threads को दो layers में shed करना ताकि एक tunnel form हो सके weft के लिए. Picking means weft को insert करना उस tunnel में, and then beating means जब weft इंसर्ट हो गया तो उसको पुश करके और लॉक किया जाता है. दिस इज पुशिंग द न्यूली इंसर्टेड वेफ्ट टू द ऑलरेडी वोवन फैब्रिक एट द पॉइंट नोन एज फेल, जहां से कि पूरा फैब्रिक कलेक्ट किया जाता है.
So here is a video clip for you. Let's watch it and you will get a clear idea ki kya hota hai usme. Just give me a moment. Yeah. Okay, so as you can see, दो warp threads को separate किया जा रहा है. This is known as shedding, ताकि एक tunnel form हो सके बीच में. And ये जो आप white color का thread देख रहे हैं, this is web thread, जिसको कि pass किया जा रहा है and push करके fabric में interlock किया जा रहा है. So this part is known as shedding, जिसमें कि tunnel form हो रही है. Then filling insertion, यानी कि picking and then beating. So अगर मैं आपको इसका और थोड़ा closer look दिखाऊं, so let's watch this video clip. इस तरह से tunnel form होती है, then weft insert होता है and then just beat होके उसको lock किया जाता है. So the three operations are shedding, टनल फॉर्म करना, पिकिंग वेफ्ट को इंसर्ट करना एंड बीटिंग, यानी कि उसको पुश करके इंटरलॉक कर देना. ओके, इन तीन ऑपरेशंस के अलावा, दीज थ्री ऑपरेशंस आर प्राइमरी मोशंस, मींस ये सबसे पहले होते हैं एंड ऑकर इन अ सीक्वेंस फॉर फैब्रिक प्रोडक्शन. लेकिन सेकेंडरी मोशंस भी होते हैं, यानी कि take up the winding of the woven fabric is called take up. The fabric is worn on a take up roller which is placed in the front end of the loom. जब fabric बनता चला जाता है, means beating होती है और fabric आगे जाता है, so take up roller जो होता है वो उसको अपने roller में roll करता रहता है. जैसे जैसे fabric बनता रहता है वैसे वैसे उसको wound करता रहता है अपने roller में, उसको take up roller भी बोलते हैं. Letting off the yarn unwinding from the warp beam. अब जब warp threads को लगाया जाता है loom पे, तो सिर्फ कुछ amount तो नहीं होता होगा, बहुत लंबी लंबी threads होती है, तो वो कहाँ से आती हैं? वो let off से आती हैं. The warp yarns are delivered in the form of sheet from the weaver beam installed at the back of the loom. इसके लिए भी मैं आपको एक video clip दिखाना चाहती हूँ, so let's watch it. Okay, so this is basically take up roller जो कि fabric को roll कर रहा है and that was the let off roller. Okay, now weaving का process क्या होता है? अब हमने primary motions और secondary motions पढ़े, but weaving actually होती कैसे है? यार्न फ्रॉम द वॉप बीम, ये वॉप बीम है, यहां से यार्न निकलता हुआ ओवर द बैकरेस्ट, बैकरेस्ट के ऊपर कम्स थ्रू द ड्रॉप वायर थ्रू द हील्स, दोनों हील्स के ऊपर आता है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द वॉप फॉर द पर्पज ऑफ शेड फॉर्मेशन. मीन्स ये हील्स जो होती हैं, ये ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं शेडिंग वाले ऑपरेशन के लिए. इट देन पासिस थ्रू द रीड, देन ये आगे रीड में जाता है, which holds the thread at uniform spacing, ताकि fabric में कोई defect ना आ जाए, and is also responsible for the beating up action of the weft yarn to the tail of the fabric. ये reed इसलिए भी responsible होता है कि वो warp को hold करके रखे at an equal distance, और इसलिए भी responsible होता है कि वो beating करे, जो third operation होता है, third primary motion होता है, weft insert होने के बाद उसको lock करना fabric में till the fell, जहां से कि वो take up roller में फिर वो roll होता रहता है. The pick is inserted between the reed and the cloth roller. Cloth roller और reed के बीच में pick को insert किया जाता है, means heel यहां तक का कोई काम नहीं है, reed से आगे और take up roller से पहले pick को insert किया जाता है. So I was talking about कि shuttle के through उसको insert किया जाता है, and then जब weft insert हो जाता है, then उसके बाद fabric को take up roller अपने ऊपर wound करता जाता है, जिससे कि fabric हमारा
प्रोड्यूस होता है. आई रिपीट द प्रोसेस अगेन. वॉब बीम से हमारे वॉब थ्रेड्स निकलते हैं ओवर द बैकरेस्ट, हील्स तक जाते हैं, देन रीड तक जाते हैं. और रीड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रीड रिस्पॉन्सिबल होता है उनको इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड करने के लिए एंड बीटिंग ऑपरेशन करने के लिए. पिक को टेकअप रोलर और रीड के बीच में इंसर्ट किया जाता है एंड देन रीड जो है वो बीटिंग प्रोसेस करने के बाद क्लॉथ जो है वो टेकअप रोलर के थ्रू क्लॉथ बीम पे रोल होता रहता है. सो आई होप दिस वॉज क्लियर. और अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प. ओके, अब हमने पढ़ा कि एक्चुअली वीविंग होती कैसी है और फैब्रिक कैसे प्रोड्यूस होता है. हालांकि फैब्रिक प्रोड्यूस करने के और भी बहुत मेथड्स होते हैं. प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर बिलो. सो व्हाट आर द वीव स्ट्रक्चर्स? अब वीव एक तरह से नहीं होती है, बहुत सारे तरीके से हो सकती है. द नंबर ऑफ वीव स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड. मीन्स आप किसी भी तरह का पैटर्न इसमें बना सकते हैं. बट द बेसिक वन इज प्लेन वीव. Plain weave is the simplest interlacing pattern. It is produced by alternatively lifting and lowering one warp thread across the one weave thread. इसमें आप इसका structure अगर देखेंगे तो बहुत ही simple होता है. जैसे कि X हमारा warp है, तो weft warp इस तरह से इसका formation होता है. The representation of a plain weave fabric shows that the yarns do not lie straight with the fabric. Straight नहीं होते, थोड़े से उठे हुए होते हैं. जब इनकी interlacing होती है या locking होती है तो ये थोड़े से yarns जो है वो round shape में आ जाते हैं rather than straight. The next is twill weave. ये ज़्यादातर denims में use होती है. आप कभी अपनी denim jeans को बहुत ध्यान से देखना, उसमें आपको diagonal line pattern बना दिखेगा जिसकी वजह होती है ये ट्विल वीव. ट्विल वीव की वजह से ये डायगनल लाइंस अपीयर होती हैं बिकॉज इसका बनाने का पैटर्न ही ऐसा होता है कि ये एक डायगनल लाइन फॉर्म करता है. ट्विल वीव इज अ वीव दैट रिपीट्स ऑन थ्री और मोर एंड्स एंड पिक्स एंड प्रोड्यूसेस डायगनल लाइंस ऑन द फेस ऑफ अ फैब्रिक. जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं वेफ्ट देन टू वॉर्प्स देन वेफ्ट देन टू वॉर्प्स. Denim and jeans fabric are common examples of twill weave. Okay, the last one is satin and sateen weave. ये satin fabric में use की जाती है और इस weave की वजह से ही satin fabric में इतनी shine होती है. Satin is a warp faced weave. Warp faced weave means जिसमें warp threads ज़्यादा होते हैं. In which binding points are arranged to produce a smooth fabric surface. इसका पैटर्न कुछ इस तरह होता है, आप यहाँ देख सकते हैं. सैटिन इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ वॉब सैटिन. सटीन इज आल्सो रेफर्ड टू एज वेफ्ट सैटिन बिकॉज इसमें वेफ्ट यार्न्स ज्यादा होते हैं, या फिर इसको वेफ्ट फेस फैब्रिक भी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज इट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.